तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास है वी हियर ओक्स, और भाई इसको जो है बोलते हैं ओपन ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे जो मेन कंसंट्रेशन है वो किया गया है ईयर्स की हेल्थ के ऊपर। जैसे आपको पता है कि भाई हम यहाँ पे अगर म्यूज़िक सुनते हैं ईयरबड्स के थ्रू, हेडफोन्स के थ्रू, तो वो डायरेक्ट आपके ईयर के अंदर इंसर्ट होता है, और ड्यू टू दैट आपके जो ईयर्स है वो टाइम बाय टाइम यहाँ पर डैमेज होते हैं। तो यहाँ पे कुछ अलग ही रिवॉल्यूशन जो है वो लेके आई है इंडियन ब्रांडेड कंपनी वी हियर। और भाई यहाँ पे कुछ अलग टाइप का, कुछ आप ऐसा बोल सकते हो कि भाई कुछ अलग टाइप का ही गैजेट यहाँ पे डिज़ाइन किया है, तो कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है। और ये जो ब्लैक है ये हमारा है स्पीकर, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से पहनते हैं, और ये डायरेक्ट आपके बोन के ऊपर यहाँ पे टच होता है, तो इसको बोलते हैं बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जो साउंड है वो जाएगा आपके बोन के थ्रू आपके ईयर में, ना ही डायरेक्ट यहाँ से। तो भाई यहाँ पे आपके जो ईयर से वो डैमेज नहीं होंगे, आपको कम्प्लीटली सराउंडिंग जो है उसका अवेयरनेस रहेगा, और आप साथ ही साथ म्यूज़िक या तो फिर कॉल का यहाँ पर मज़ा भी ले सकते हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो है उसके अंदर करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू, और देखेंगे क्या क्या यहाँ पे और फीचर जो है भाई वो मिल जाते हैं। और हाँ, ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर जाकर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सो प्रजय हियर, वेलकम टू अवर चैनल ई टेक, एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों इसका जो प्राइस है वो है 10,000 रुपीज़, और ये काफ़ी सारे कलर्स के अंदर भी अवेलेबल है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। और हाँ, इसका परचेज लिंक जो है वो मिल जाएगा आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे, और वहाँ पे आपको स्पेशल 30% ऑफ का कूपन भी मिल जाता है। तो 10,000 रुपीज़ का यहाँ पे आपको डायरेक्ट 7,000 रुपीज़ के अंदर ये मिल जाता है। सो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से बॉक्स में हमें मिल जाता है, और बॉक्स के ऊपर जो है भाई काफ़ी सारे यहाँ पे आपको पॉइंट स्पेसिफिकेशन जो है वो मेंशन किए गए हैं। ये आता है ट्रांसड्यूसर टाइप, चार्जिंग टाइम इसका है 1.5 आवर्स, बैटरी कैपेसिटी है 200 mAh, प्लेबैक टाइम आपको 8 आवर्स का मिलता है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है 20 Hz 20 kHz, और वायरलेस रेंज जो है वो है ब्लूटूथ वर्जन 5.0 यानी कि 10 मीटर। और हाँ, यहाँ पे आपको PHI मिलता है यानी कि भाई पर्सनल हियरिंग इंटेलिजेंस, और उसके लिए यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड करनी पड़ती है फ्रॉम गूगल या तो फिर ऐप स्टोर। यहाँ पे आप पर्सनलाइज एक्सपीरियंस कर सकते हो, जैसे कि आप इक्वलाइजर जो है वो चेंज कर सकते हो, डिवाइस शेयर कर सकते हो, ट्रांसलेटर की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हो, और भाई काफ़ी सारे फीचर जो है उसको यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। और हाँ, ये ड्यूअल कनेक्टिविटी के साथ आता है। तो भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली आप जो यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी हमने इसे यूज़ कर लिया है, और भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी सुपर है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ ये ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे एक जो थैली है ब्लैक कलर की, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे मिलता है कुछ अलग और यूनिक टाइप का ब्लूटूथ हेडसेट। तो देखते हैं बाद में कैसे आप इसे यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, एक बॉक्स यहाँ पे मिल जाता है, उसको भी यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर से हमें मिल जाता है चार्जिंग केबल। तो USB से स्टैंडर्ड हमारा जो एंड्रॉयड आता है माइक्रो USB चार्जिंग केबल मिलता है। यहाँ पे है प्रोडक्ट का मैनुअल, और ये आता है 12 मंथ्स की वारंटी के साथ। और यहाँ पे जो ईयर प्लग्स है गाइस, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सो आपको इतना मिल जाएगा फ्रॉम दी अनबॉक्सिंग। सो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे वेट को लेके, तो 34 ग्राम यहाँ पे काफ़ी लाइट वेट है, और कुछ इस तरीके से डिज़ाइन में हमें मिल जाता है, काफ़ी फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है। और यहाँ पे आपको जो स्पीकर मिल जाता है जो वर्क करता है बोन कंडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ। यहाँ पे आपको प्ले एंड पोज बटन जो है मिल जाता है वी हियर ओक्स का यहाँ पे ब्रांडिंग, और यहाँ पे पीछे थ्रू आउट नेकबैंड वायर जो आप बोलते हो केबल, वो यहाँ पे मिल जाता है। पीछे यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल्स मिलती है, पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर बटन, और आपको यहाँ पे माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन में मिल जाता है। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पे ये वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ भी आती है।
इसे वियर करना काफ़ी इजी है। आप यहाँ पे स्पैक यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यानी कि आप चश्मीस हो या नहीं, लेकिन ये काफ़ी कंफर्टेबल है और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये वियर होता है। अगर आप यहाँ पे इसे यूज़ करने वाले हो रनिंग के अंदर या तो फिर जॉगिंग के अंदर, तो भी ये काफ़ी परफेक्टली फिट रहता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको सपोर्ट मिल जाता है। इवन अगर आप यहाँ पे कोई वर्कआउट कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो भी ये काफ़ी परफेक्ट रहेगा और ये फॉल आउट नहीं करेगा इन एनी कंडीशन। और हाँ, यहाँ पे एक और बात जो मुझे अच्छी लगी, ये IPX रेटिंग के साथ आता है, ये IPX5 रेटिंग के साथ है, तो आप इसे डेफिनेटली जिम के अंदर या तो फिर हल्की फुल्की बारिश के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट टाइम कनेक्ट करना मोबाइल के साथ काफ़ी ईजी है। यहाँ पर पावर ऑन बटन है, उसको यहाँ पर प्रेस करके रखिए, LED जो है वो यहाँ पर ब्लिंक करेगी, यानी ये चला गया है ब्लूटूथ पेयरिंग मोड में। आप यहाँ पे ड्यूअल कनेक्टिविटी भी कर सकते हो, यानी कि एक साथ दो मोबाइल के साथ भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। तो मोबाइल में जाना है, ब्लूटूथ को ओपन करना है, सर्च न्यू डिवाइस करना है और वहाँ पे आपको आ जाएगा वी हियर OX, तो उसके ऊपर टैप करना है और ये कनेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज तो शो करता ही है, लेकिन अगर जाते हो आप आई यानी इंफॉर्मेशन के अंदर, तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट शेयरिंग भी कर सकते हो। अगर बात करें गाइज यहाँ पे कंट्रोल्स की, तो भाई काफ़ी मीन्स एकदम इजी यहाँ पे कंट्रोल मिल जाते हैं। जो प्ले एंड पोज कंट्रोल है वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे स्पीकर के बाजू में ही मिलता है, जहाँ से आप क्विकली प्ले एंड पोज कर सकते हो वीडियो को। इसके अलावा यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल भी मिल जाता है, जहाँ से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो। अगर वॉल्यूम कंट्रोल बटन को कंटिन्यूस प्रेस करके रखते हो, तो जो सॉन्ग है या तो फिर वीडियो है वो नेक्स्ट या तो फिर प्रीवियस हो जाएगा। और हाँ, अगर यहाँ पे हमारे जो बटन है उसको यहाँ पे 2 times यानी कि 2 seconds तक अगर प्रेस करके रखते हो, तो यहाँ पे ये वेक कर देता है वॉइस असिस्टेंट को। तो भाई सारे के सारे कंट्रोल जो है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से क्विकली रिस्पॉन्स वाले मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे एड ऑन फीचर की बात करें, तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वी हियर वो यहाँ पे डाउनलोड करनी है, सारे ही परमिशन को अलाउ करना है और कनेक्ट करना है। यहाँ से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, आउटडोर मोड या तो फिर आप इक्विलाइजर जो है वो भी यहाँ पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे एक खास फीचर है, वो है ट्रांसलेटर का, यानी आप कोई भी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में क्विकली यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हो, सिर्फ आपको यहाँ पे स्पीक करना है। तो जैसे ये स्पीक करेगा और यहाँ पे आपको ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे और एक फीचर है, वो है हियरिंग एड मोड, यानी जिसको सुनाई नहीं देता है ऐसे पर्सन के लिए यहाँ पे आपका जो फ़ोन का माइक्रोफोन है वो वर्क करता है, जो आवाज़ जो इसको वो बूस्ट करता है और डायरेक्ट जाता है आपके बोन कंडक्शन थ्रू आपके ईयर्स में। यानी अगर आप यहाँ पे इसे टीवी के पास रखोगे, तो टीवी का वॉइस जो है वो डायरेक्ट आपके ईयरफोन्स के अंदर यहाँ पे सुनाई देगा। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे फीचर भी एक्स्ट्रा, यानी कि साउंड मीटर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्टॉप टाइम ऑटोमेटिक, ये कब शटडाउन होगा वो भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। ड्यूअल कनेक्टिविटी मोड, नोटिफिकेशन मोड और PHI यानी पर्सनल हियरिंग असिस्टेंट, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो भाई काफ़ी सारे एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर बात करें भाई यहाँ पे बैटरी लाइफ की, तो भाई यहाँ पे काफ़ी डिसेंट वाली बैटरी लाइफ मिल जाती है और यहाँ पे आपको माइक्रो USB टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। जैसे आप यहाँ पे प्लग इन करोगे, तो यहाँ पे जो LED है रेड कलर की वो यहाँ पे ग्लो होगी, यानी ये चार्ज अभी हो रहा है। अगर बात करें बैटरी लाइफ की, तो 1 hour के अंदर ये पूरा चार्ज हो जाता है और 8 hours का यहाँ पे नॉनस्टॉप आपको यहाँ पे प्लेबैक देता है। टोटल 25 days का यहाँ पे आपको स्टैंडबाय टाइम भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको कॉल नॉइस टेक्नोलॉजी मिलता है CVC, तो भाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे कॉलिंग सपोर्ट मिल जाता है। और हाँ, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ईयरबड्स भी मिलते हैं, जहाँ से ये कम्प्लीटली जो नॉइज़ है उसको आइसोलेट करते हैं और काफ़ी अच्छा जो आवाज़ है वो आपके ईयर थ्रू यहाँ पे जाता है। यहाँ पे म्यूज़िक को लेके कैसा यहाँ पे म्यूज़िक का आउटपुट मिलता है, तो भाई ये कोई ब्लूटूथ हेडफोन्स या तो फिर ईयरफोन्स नहीं है। इसका मेन जो पर्पज़ है वो है आपके ईयर जो है उसकी हेल्थ को यहाँ पे मेंटेन रखना, डैमेज ना होने देना। तो भाई यहाँ पे इतना लाउड म्यूज़िक नहीं आपको मिलेगा। अगर आप ईयर प्लग्स का यूज़ करते हो, तो आपको म्यूज़िक के अंदर और ज़्यादा यहाँ पे क्वालिटी जो है वो मिल जाती है। बेस मिड टोन्स काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, वोकल्स भी भाई काफ़ी मज़ेदार है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स को लेके, तो सबसे पहला जो है वो है यहाँ पे क्विक चार्ज। तो भाई यहाँ पे आपको क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी मिल जाती है, 1 hour के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको IPX रेटिंग मिलता है, तो आप इसे रेन के अंदर या तो फिर जिम के अंदर विदाउट एनी हेजिटेशन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो कॉलिंग फीचर है भाई वो काफ़ी कमाल का मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको नॉइज़ कैंसलेशन मिल जाता है और काफ़ी अच्छी तरीके से आप यहाँ पे कॉल पे बात कर सकते हो। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर, ट्रांसलेटर का फीचर है, हियर एड का फीचर है, तो आप जो आवाज़ है वो भी यहाँ पे बूस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे फीचर भाई यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर बात करें यहाँ पे कॉन्स को लेके, तो एक ही यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉन लगा, यहाँ पे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट नहीं है।
लेकिन आई डोंट थिंक सो ये वर्थ है, क्योंकि यहाँ पे 1 आवर में ये ऐसे भी फुल चार्ज हो जाता है। सो गाइज मुझे कमेंट में बताएं क्या आप इसे परचेस करना चाहोगे या नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।